फजल-ए-खुदा से धोपे सर दोनों इमाम मशरक़ैन, बाप को क्यों हो ज़हमतें, ऐसे हो जब के नूर ऐन, हुक्मे रसूल के खिलाफ जोरे यजीद देख कर दीन पुकारा याली सामने आ गए हुसैन। बाबा से बुलंद सलवात। ये कलाम मैं कल पढ़ चुका हूँ फिर हुक्म की तामीर में। बाबा से बुलंद सलवात। वो जो मसरूफ़े सलामे शुहदा रहता है, वो जो मसरूफ़े सलामे शुहदा रहता है, गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। शिम्र कहता था यही माँ अकबर की, शिम्र कहता था यही माँ है अली अकबर की, जिसका एक हाथ कलेजे से धरा रहता है, जिसका एक हाथ कलेजे से धरा रहता है। है ये शर्मिंदगी पानी के न पहुँचाने की, है ये शर्मिंदगी पानी के न पहुँचाने की, नेज़े पर भी सरे अब्बास झुका रहता है, नेज़े पर भी सर अब्बास झुका रहता है। शाम बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى जैसा कि मैंने इस अशरे के आगाज में ही ये गुजारिश कर दी थी और इसे बयान करने की जरूरत भी नहीं थी कि इन मजालिस में जो वीकडेज की मजलिसें हैं उसका मजमा जरा मुख्तलिफ होता है और जो वीकेंड या छुट्टियों की मजलिसें हैं तो बहरहाल मजमे में कुछ इजाफा हो जाता है जिसकी बिना पर तकरीर के अंदाज को जरा सा बदलना पड़ता है। तो चूंकि वो तीन दिन गुजर गए और आज से लेके हमारी आखिरी तकरीर तक अब वो कैफियत मजमे की नहीं होगी तो आप हजरात भी जरा आराम से और राहत से बैठिएगा और मैं अपने उस मौजू को जो बज़ाहिर एक जगह पे रुका हुआ है लेकिन आगे बढ़ रहा है अब उसे इख्तितामी मनाजिल की जानिब ले जाऊं। लेकिन इससे पहले आज रात का नहीं आज जो दिन गुजर गया उस दिन का एक हक बतौर कर्ज हम पर बाकी है और जो मेरा तरीका कार है कि अय्याम अज़ा के पहले अशरे के बाद वाले अशरों में थोड़ा थोड़ा तस्किरा उन अइम्माए ताहिरीन का भी किया जाता है कि जिनके नाम तो बच्चे बच्चे को याद है मगर उनके हालात बयान करने या सुनने का मौका आम जिंदगी में नहीं मिलता और फिर अगर किसी इमाम मासूम से मुतालक कोई तारीख आ जाए तो ये कर्जा और बढ़ जाता है। मैं कल वजाहत कर चुका हूं कि आज का दिन जो अभी अभी खत्म हुआ दो तीन घंटे पहले एक ऐसे इमाम मासूम की विलादत की तारीख है कि जो सीरत सिलसिले मासूमीन में एक एतबार से आखिरी। अच्छा ये शायद मैंने दोपहर की मजलिस में पढ़ा था। खैर तो अब मैं इस जुमले को वापस ले लेता हूं इसलिए कि आज और आज के बाद से जितनी भी वर्किंग डे की मजलिसें हैं उसमें 55 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू मुनासिब नहीं होती है और अभी अभी दोपहर को पढ़ के आया फिर वही चीज आपको सुनाऊं या आपके साथ जुल्म से आती। लेकिन जिस इमाम मासूम का ये दिन गुजरा असीरे बगदाद होने की बिना पर इतना ज्यादा जहन उनके मसाइब की जानिब चला जाता कि इमाम की जिंदगी की बहुत अहम अहम कुछ पैगामात वो ना बयान होते हैं ना उसकी जानिब जहन जाता। मैं मुख्तसरन तीन बातें शुरू में बयान कर रहा हूं इसके बाद जो असल हमारा उनवान है उससे मुतालक एक सवाल आया है उस सवाल का जवाब देते हुए फिर मैं वापस इमाम की सीरत पे आता हूं। ये तीन बातें इनमें से जो तीसरी बात है उसका ताल्लुक उस सवाल से बन रहा है जो हमारी शुरू की तकारीर के हवाले से किसी ने पूछ लिया। अच्छा सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं मैं सिर्फ उस सवाल को मजलिस में बयान करता हूं जिसका ताल्लुक मेरे अपने मौजू से हो। अब मौजू से हटके भी लोग सवाल करते हैं बल्कि ज्यादा वह मेरी माजरत होती है मजालिस के वक्त में इतनी गुंजाइश कम अज कम आज कल नहीं रही। तो पहली बात यह है कि हमारी कौम सबसे ज्यादा इस वक्त इस मसाले से चिढ़ जाती है। मैं तफसील में नहीं जा रहा मैंने कहा सिर्फ तीन मुख्तसर बातें उनमें से एक मसाला है खुमस का। यह अलग बात है कि बाकायदगी से खुमस ना देने वालों को बाकायदगी से खुम्स देने वालों को निजाम खुम्स पर इतना एतराज नहीं होता न देने वालों को एतराज होता है। वो भी समझ में आ रही है बात कि जो आदमी कोई नेकी कर रहा वो उस नेकी के हवाले से क्यों एतराज करेगा।
भाई दाढ़ी रखने वाला कभी नहीं कहता है कि कहां है कुरान में, कहां है हदीस, न रखने वाला पूछेगा कहां। हिजाब करने वाली औरत कभी नहीं कहेगी कहां लिखा हुआ है कुरान के अंदर इस तरह से हिजाब करो, तो हिजाब न करने वाली औरत का सवाल होगा। शराब न पीने वाला कभी नहीं कहेगा कि कुरान में कोई क्लियर कट आयत आ ही नहीं, तो शराब पीने वाला कहेगा ना, दिखा दीजिए कहां लिखा है कुरान में कि शराब हराम। निजाम खुम्स सबसे ज्यादा इस निजाम को उस अंदाज से मजबूत किया जो आज हमारे पास अंदाज है, वो सातवें इमाम, यानी खुम्स ना गैबते इमाम में कोई सिलसिला शुरू हुआ, ना किसी मौलवी मर्जी मुश्ताहिद का बनाया हुआ कोई तरीका, ये चला आ रहा है रसूल खुदा के जमाने से। लेकिन जिस अंदाज से आज हमारे पास है और जिस अंदाज पर हमें एतराज है, वो सातवें इमाम, और बात बिल्कुल लॉजिकल है, मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैं तो खाली इशारा कर रहा हूं, ताकि एक तो हक इमाम अदा हो, दूसरा ये कि जो मोमिनीन अभी तशरीफ ला रहे हैं और बस ये दो चार मिनट के मरहले में हैं, तो उनको असल तकरीर के मौजू में कोई परेशानी ना हो, और जो आके बैठ चुके हैं उनका वक्त ज़ाया ना हो। तो खुमस के मसाले पर मैं यकीन के साथ कह देता हूं कि हमारी कौम के 99% अफराद को एतराज नहीं होगा अगर ये खुम्स बराह रास्त इमाम मासूम के हाथ में जाता उनको नजर आए, ये हमने खुम्स निकाला ये इमाम ने ले लिया। मुझे यकीन है कामिल है कि 99.99% फिर वो खुम्स पे कोई एतराज नहीं करेंगे, अपनी आंख से देखेंगे कि ये हमारा दिरहम, ये हमारा दीनार, ये हमारा डॉलर, ये हमारा पाउंड, ये हमारी बचत इमाम के हाथ में गई। जो आज हमारा निजाम है, तो अब पहले 6 इमामों के जमाने में खुम्स कोई बड़ा इशू इसलिए नहीं बना, मोमिन ने खुम्स निकाला 5वें इमाम को दिया, मोमिन ने खुम्स निकाला 4थे इमाम को दिया, मोमिन ने खुम्स निकाला बराह रास्त इमाम मजलूम को दिया, मोमिन ने खुम्स निकाला उस इमाम मासूम को दिया जिनकी शहादत का दिन अभी गुजरा, और खुम्स के हवाले से भी उन इमाम मासूम पर एतराज हुआ, बाकी इमामों पर खुम्स के हवाले से एतराज नहीं हुआ, इमाम हसन पे हुआ। अलबत्ता जिन लोगों ने एतराज किया हमने खुद ही समझ लिया कि ये इमाम के मानने वाले नहीं, क्या एतराज हुआ, आज क्या एतराज होता, अगर कोई बेचारा जिसको शरीयत ने खुमस लेने का हक और इख्तियार दिया मर्जे, अगर कोई बेचारा नमाज जाफर तैयार पढ़कर रोजी का कोई और अमल करके इस हैसियत में आ गया कि वो अपना एक अच्छा मकान ले, कौम यही कहेगी ये हमारे 2 दिरहम से खरीदा गया, 2 मिलियन का मकान, 2 दिरहम हमने दिए, ये मकान उससे खरीदा गया। अगर अल्लाह ने उसको वैसे कहीं से बरकत दी और उसके बाद कोई गाड़ी आ गई, एतराज ये होगा कि ये हमारे 5 दिरहम से ये गाड़ी खरीदी गई। अगर किसी मर्द मोमिन ये ख्याल करते हुए कि अगर तुम 1 दिरहम किसी इंसान को तोहफा देते हो तो तुम्हें 1 में 10 का सवाब मिलेगा, और अगर किसी मोमिन को तोहफा देते हो तो 1 दिरहम में 70 का सवाब मिलेगा, और अगर किसी मोमिन रिश्तेदार को तोहफा देते हो तो 1 में 700 दिरहम का सवाब मिलेगा, और अगर वालिदैन को तोहफा देते हो 1 दिरहम में 70,000 का सवाब मिलेगा, और किसी आलिम को तोहफा देते हो तो 1 दिरहम में 7 लाख का सवाब मिलेगा। अब यह हदीस किसी ने सुनी और किताब में पढ़ी और इस वजह से उसने किसी आलिम को जाके तोहफा दिया। हम और आप तो ज्यादा से ज्यादा रूमाल, ये हमारे तोहफे होते हैं, एक कोई आधे दिरहम वाला बॉल पेन, ये हमारे तोहफे होते हैं, और सवाल भी हमारा यही होता है कि तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती। लेकिन हैं ऐसे लोग को गाड़ी की चाबी लाके देते हैं कि ये हमारी तरफ से तोहफा, जब सवाब ज्यादा लेना है तो चीज भी तो ऐसा ऐसी देना। लई साल बिर नेकी हासिल ही नहीं, लन तनाल उल बिर, 4थे पारे की पहली आयत,
हत्ता तुनफेको मिम्मा तुहिब्बू, तुम नेकी हासिल ही नहीं कर सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा तरीन चीज राह खुदा में न दो। तो अब हैं ऐसे लोग, उन्होंने खाली गाड़ी नहीं मकान की चाबी आके दे दी, लेकिन हमारे जहन में ख्याल आया ये हमारे खुमस से खरीदा गया। तो बाकी अहम्मा ताहिरीन में हसन मुश्तबा की जात वो जात थी कि जाहिरी एतबार से इमाम का लिबास, जाहिरी एतबार से इमाम की सवारी, जाहिरी एतबार से इमाम का मकान, और फिर इसके बाद का जो मरहला, ये मकान, ये सवारी, ये लिबास, ये तो वो है कि एक बार आदमी ने पैसे खर्च करके खरीद लिया, फिर रनिंग एक्सपेंसेस। इमाम का इतना अजीम शान व आलीशान दस्तरखान जो आम दिनों को तो छोड़िए, आराफात के मैदान में हज के दौरान जहां आदमी के लिए अपने खाने का इंतजाम मुश्किल होता और हजारों हाजी इमाम के दस्तरखान पे आके बैठ रहे हैं और इस्तेफादा कर रहे हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है? ये सवाल करने वाले खाली आज नहीं है, मिजाज तो हर दौर में एक जैसा होता, ये इतना पैसा कहां से आ रहा, इनको कौन सा ऐसा खुफिया खजाना मिल गया, इनके पास कौन सा ऐसा इसमें आजम है इसमें आजम, लेकिन सवाल कौन से इनके इतने बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो बिजनेस चलाने का पैसा कहां से आया, वो भी हमारा। अब फर्क ये हो गया कि इमामत के जमाने में जो ये सवाल करेगा वो दीन से यानी ईमान से खारिज, आज ये सवाल करेंगे तो माशाल्लाह मुत्तकी भी कहलाएंगे, परहेजगार भी कहलाएंगे, जाहिर भी कहलाएंगे, हाजी भी कहलाएंगे, इबादत गुजार भी कहलाएंगे। आइम्मा ताहिरीन में ये एतराजात आका हसन के लाइफ स्टाइल की वजह से, जब यहूदी ने रास्ता रोक लिया और कहा कि ऐ अबा मोहम्मद यानी इमाम हसन आपका नाना, या वो सही है या आप सही है, क्यों भाई? कहा आपके नाना ने फरमाया था दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना, यहां तो उल्टा है, मैं काफिर हूं, फटे हुए कपड़े, खाने के लिए कुछ है नहीं, भीख मांगता फिर रहा हूं, ना रहने की जगह, ना पहनने का लिबास, ना कोई सवारी, ना खाना, और आप बेहतरीन सवारी पे बैठे हैं जिसको उसने रोका, बेहतरीन कपड़े आप पहने हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके जज ने तो कहा था कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत, या तो उल्टा हो रहा, मेरे लिए कैद खाना है आपके लिए जन्नत, या नाना का फरमान गलत, या आप मोमिन नहीं। अब पूरा वाकया, इसका जवाब, इसके पैगाम, मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूं, हत्तल इम्कान कि मजमे का वक्त जाय ना हो, जो चीजें बच्चे बच्चे को मालूम है खाली उससे इशारा करते हुए आगे बढ़ जाऊं। तो ये इतराज जो आज हो रहा है, ये सबसे पहले सीरत मासूमीन में इमाम हसन पे हुआ। चले ये इमाम हसन के दिन का हक थोड़ा सा जिक्र करके अदा कर दिया, मगर बात कहां से चली थी कि आम 99% मोमिन, उसे कोई एतराज नहीं होगा अगर वो अपने खुमस को बराह रास्त इमाम के हाथ में जाता देख ले। आप बार बार कहेंगे कि मौलाना आप 1% की गुंजाइश क्यों रख रहे हैं, आप क्यों नहीं कहते कि 100% मोमिनीन मुतमईन होंगे। मैं इसी मेंबर पे 2-3 बार वो वाकया पढ़ चुका हूं जिसके पढ़ने का मौका अब नहीं, जब एक जमाने में मैं इसी मेंबर पे 1.5-2 घंटे भी तकरीर करता, अब मुमकिन नहीं, और आज का दिन जब मैं हद से ज्यादा थका हुआ हूं। तो खुलासा यह है कि वाकया पढ़ने का वक्त नहीं, लेकिन उसका जुमला, मोमिन मेरे हज का साथी और वाकान इतना पाबंद है नमाज कि वाजिब तो वाजिब एक सुन्नत नमाज भी मैंने उसे कराची में भी छोड़ते नहीं देखी, सहने काबा में बैठा, सामने खाने काबा की दीवार, कहता मौलाना एक बात तो बताइए, नकले कुफर कुफर नबाशर, ये इमाम जमाना किस बात का खुमस ले जाते हैं और कर क्या रहे, आराम के साथ, ठाट के साथ, ऐश के साथ गैबत में बैठे हुए, मरहम रहे, जाने हमारी जा रही, घर हमारे जल रहे, रोजगार हमारे खतरे में, वो क्या कर रहे, बड़े ऐश के साथ जिंदगी गुजार रहे और हमारा खुम्स भी ले जा रहे। उसका इतराज मर्जे पे नहीं है, बराह रास्त इमाम पर।
सहने काबा में खाने खुदा के सामने मैंने खुद अपने साथी से जुमला सुना, तो खैर उस वक्त तो जैसा मैं थर्रा के और कांप के रह गया वो अपनी जगह। एक पर्सन की गुंजाइश मैंने रख ली कि हो सकता है कि इस वक्त एक पर्सन को कुमुस के हवाले से इमामत पर भी एतराज हो, उसको छोड़े 99 एतराज जो इस वक्त हमारी 99% पब्लिक को वो ये है कि ये कुमुस इमाम के हाथ में तो नहीं जा रहा। और फिर उसके बाद वो सारे एतराजात जो मैंने इशारतन बता दिए उसको रिपीट नहीं करना। ये वाला निजाम सातवें ने कायम किया और सातवें को ये निजाम कायम करने की जरूरत क्या पड़ी, वो वही अल्लाह ने हालात ऐसे बनाए। इमामत के शुरू के 10 साल भी तकरीबन 10, ये वाला 10 का अदद बहुत ही हार्ड एंड फास्ट समझ के मत लीजिएगा, इमामत के शुरू का एक अरसा भी सातवां इमाम गैबत में चला गया और इमामत के आखिरी 14 साल तो जेल खाने में होने की बिना पे कैद में। आखिरी 14 साल तो हरेक को पता है कि इमाम कैद खाने में, 14 साल आखिरी के और शुरू के 10 साल ये जो अरसा था जिसमें इमाम हैं, इमाम गायब नहीं है लेकिन मोमिनीन ने कराम की आंखों से पोशीदा। अब इमाम एक निजाम बनाया कि खुमस जो लोग अब तक छठे इमाम को देते आ रहे हैं, आते हैं और बराह रास्त देते हैं, आते हैं और बराह रास्त देते हैं, बड़ा खुश इमाम ने हमारा तोहफा कबूल किया, ये सातवें ने कहा कि नहीं अब हमारे नायब को दो, अब हमारे वकील को दो, इमाम हैं लेकिन खुम्स उनको दिलवा रहे हैं ये शुरू के साथ कुछ साथ। अच्छा उसमें ऐसा हुआ कि कभी कभार कोई मोमिन बड़ा तड़पा कि मुझे तो इमाम के ही हाथ में ये खुमस देना, तो जो कि ये वो वाली गैबत तो है नहीं जो आज हमारे इमाम की है, ऐसे को बुलवा भी लिया, एक आध मिसाल आती रही ताकि पता चले कि ये निजाम खुमस चल रहा है सातवें की क्यादत में। शतीता का वाकया क्या यही तो है ना, शतीता का वाकया जो बच्चे को मालूम हो गया होगा। अब तो कितना शानदार शतीता बीबी का रोजा निशापुर शहर के डाउनटाउन में बना और इतना शानदार रोजा सिर्फ एक जुमले की वजह से, एक रुमाल उनका खुमुस था लेकिन कहा कि जो मेरा हक है वो मैं इमाम को भिजवाऊंगी, मैं डर रहा हूं उधर वाकये में चला गया तो आज के सारे मौजूदात रह जाएंगे। तो खुलासा ये जो आदमी ये खुमुस लेकर गया था वो रो दिया मदीने में कि लोगों ने सारा खुमुस मुझे दिया था कि जाके छठे इमाम के हाथ में दो, छठे इमाम जिंदा थे। मदीने पहुंचा तो पता चला कि छठे की शहादत हो गई, सातवें गैबत में चले गए। अब मसला मेरे खुमस का नहीं है, मसला उनसे उस जिम्मेदारी का है, इतनी सारी अमानतें जो मैं लोगों की लेके आया हूं और हर एक का ये कहना था इमाम के हाथ में देना, वो रो दिया, रोजा रसूल से सर टकराने लगा, मैं कहां जाऊं कैसे इस फरीजे को अदा करूं। अब ये एक ऐसा केस था कि इमाम ने फिर इसको बुलवाया, गुलाम आया और लेकर गया उस खास घर में जहां इमाम गैबत में। अब एक ये सवाल कि ये गैबत क्यों है, ये 3 में से आखिरी बात जो मुझे बताना, मैंने अर्ज किया था कि सातवें इमाम के हवाले से 3 छोटे जुमले अर्ज करूंगा। अब ये छोटा जुमला बहुत बड़ा इसलिए हो गया कि हमारी कौम का ये इतना बड़ा मसला कि अपनी तारीख नहीं पता इसलिए अपने निजाम पर एतराज होता, फिर लेकर गया और फिर इमाम ने कहा कि अच्छा लाओ ये वाला खुमस तो हमको दे दो, आइंदा सालों में इसकी जरूरत नहीं है, उनको देना। अब ये निजाम बनाया गया और एक ऐसा निजाम के 10 साल ये निजाम चला, फिर इमाम सामने आ गए और जब सामने आ गए तो जो अब तक 10 साल लोग खुमस देते भी रहे थे और शक में भी थे, आज भी कितने ऐसे लोग हैं कि दे भी रहे हैं लेकिन शक भी है कि पता नहीं जिनको दे रहे हैं इनको हक और इख्तियार इमाम ने दिया है कि इन लोगों ने खुद ही अपना ये इख्तियार छीन लिया बना लिया। चाहे वो सातवें इमाम की जियारत के चैप्टर में मफातिहुल जिना, यही वो किताब है जिसे हर जाहिर अपने बगल में दबा के ले जाता, सातवें इमाम काजमैन की जियारत ही में हाजी अली बगदादी का वाकया, जा भी रहे सातवें इमाम के रोजे की जियारत बाबुल हवाई, रास्ते में इमाम मिले पूछा के मौला आप गायब है किसको खुम्स दूं, इमाम ने उस जमाने के 3 मराजे का नाम लिया इनको देना। लेकिन
वो किताब भी है, उसी से जियारत भी पढ़ते हैं, उसी को लेके काजमैन भी जाते हैं, मगर इस किस्म के पैगाम पे तवज्जो नहीं देते। तो सातवें, देखिए बहुत अहम सातवें इमाम की सीरत है कि गैबत में जाकर निजाम बनाया, फिर जाहिर हो गए, और जाहिर होने के बाद कहा जो 10 साल तुमने खुम्स दिया बिल्कुल सही दिया, ये वकील मेरे मुकर्रर किए हुए, ये नुमाइंदे मेरे मुकर्रर किए हुए, इनको खुम्स देना, मुझे खुम्स देना। इमाम जब आ गए और बहुत जल्दी आ गए, एक तो ये है ना, हमारे दादा ने खुम्स दिया, इमाम हमारे जमाने में आए तो दादा तो मरते दम तक शक में रहे, नहीं 10 साल बहुत छोटी मुद्दत होती, वही लोग अभी जिंदा, इमाम ने आके तस्दीक की। ये तस्दीक दो वजूहात से जरूरी थी, क्योंकि अब इमाम को अपनी जिंदगी में दोबारा ये निजाम बनाना, और फिर गैबत में तो 1400 साल ये निजाम चलना। अगर इंसान शक के आलम में इबादत करता रहे वो इबादत बेकार हो जाती है, खुमस भी एक इबादत है, शक के आलम में अदायगी आप करते रहे वो बेकार तो नहीं होगी, वो फायदे नहीं मिलेगी। तो खुलासा ये कि जाहिर हुए और तकरीबन 10 साल के बाद 10 साल जाहिर रहे, फिर कैद में चले। अब कैद में जाने का मतलब भी है कि इमाम से लोगों का कांटेक्ट खत्म। कौन सी कैद? ये वो कैद थी कि जमीन की इतनी गहराई में थे, न सूरज की रोशनी जाए न ताजा हवा, कोई नहीं जा सकता। 10वें इमाम भी कैद में थे, मगर उनसे मिलना और मुलाकात करना आसान था। वो एक बहुत ही मशहूर, लेकिन लोग तवज्जो नहीं देते, वो हदीस कैद खाने में जाके रावी 10वें इमाम से लेके आया, जो मफाती में है, और वो चूंकि जबानी तो लोग याद नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं 1, 2, 2, 3, 4, 1, 1, ये जो इमाम ने खुलासा किया। और दुआ के हवाले से ये बात भी बहुत अहम, हमारे मौजूआत में दुआ तो चल ही रहा, आज नमाज जाफर तैयार का वादा था वो एक दिन और ठहर जाए, लेकिन 7वें इमाम का लकब ही बाबुल हवाई। तो जो 10वें इमाम ने एक फार्मूला दिया शियों, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 1, वो कैद में दिया, मगर ये वो कैद है कि लोग कोशिश करें तो सब नहीं, कुछ लोग जा सकते हैं। और ये 1, 1, 2, 2, 3, 4 का मतलब ये कि अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिनों में से हर दिन किसी एक इमाम के लिए रखा, उस दिन अगर उस इमाम के वसीले से दुआ मांगो तो बहुत जल्द कबूल होगी, जिसमें सैटरडे रसूल खुदा के लिए एक के लिए एक, संडे 2 मासूमीन के लिए मौला और शहजादी, मंडे 2 मासूमीन के लिए हसन और हुसैन, ट्यूजडे 3 मासूमीन के लिए है, चौथे 5वें 6वें, वेनिसडे 4 मासूमीन के लिए, 7वें 8वें 9वें और 10वें। 7वें इमाम का दिन भी बुध है और 9वें इमाम का दिन भी बुध है, जो जवाद रोजी के हवाले से उनका वसीला सबसे ज्यादा कबूल है अगर बुध के दिन दिया जाए। जुमेरात सिर्फ 11वें के लिए, जुमा सिर्फ 12वें के लिए। तो 1, 2, 2, 3, 4, 1, 1, तो ये भी दुआ की ताकत बढ़ाने वाली चीज है। मौलाना बुध है 9वें इमाम का दिन, अगर हम जुमे को 9वें इमाम का वसीला दे दे, नहीं वो तो जब चाहे आप दे। लेकिन ये सवाल ऐसा ही कि अगर कोई पूछे क्यों मौलाना वो शब कदर की दुआएं कबूल है, अगर वो दुआ हम आज कर ले, भाई आज करें आज भी कबूल, मगर जो तारीख है मौलाना वो खाना है खुदा का पर्दा पकड़ के दुआ अगर आज हम ये मांग ले भैया भी कबूल, लेकिन जगह और तारीख की जो अहमियत है उसमें दिनों की भी अहमियत। और अगर आप ये फार्मूला याद रख सके कौन सा दिन किस इमाम का है, उस दिन जो आप दुआ मांगे, रोजी की दुआ हम रोज मांग रहे, हफ्ते को रसूल के हवाले से, संडे को मौला और शहजादी, मंडे को इमाम हसन हुसैन, ट्यूजडे को 3 इमाम, वेडनेसडे को 4 इमाम, थर्सडे को 1, जुमे को 1, ये अगर आप याद रख सकें तो आपकी दुआ की ताकत में इजाफा हो जाएगा। ये बीच की एक बात आ गई, मैंने कहा ये भी बता दूं, लेकिन असल बात क्या चल रही थी, असल बात ये बयान हो रही है कि ये रिवायत पूरी कैदखाने से मिली, ये रावी कैदखाने में जाकर 10वें से मिलकर आया। अब मफातिहुल जिना में आप पढ़िए पूरा वाकया, ये वही वाकया है जिसका आधा हिस्सा मैं पढ़ के रुक जाता हूं कि 10वें इमाम के पास गया तो 10वें इमाम के कमरे में कब्र खोदी, फिर वो पूरी तफसील, उसके बाद रावी दुआ के हवाले से बात कही तो इमाम ने ये हफ्ते के 7 दिन बताए कौन सा दिन अल्लाह ने किस इमाम के लिए रखा। तो खुलासा ये कि 7वें की ऐसी कैद नहीं, मजाल है कि कोई इंसान 7वें से मिल सके। हारून ने गोया हवा पर पाबंदी लगाई है, सूरज के किरणों पर पाबंदी लगाई। अब वो पूरा निजाम जो पहले इमाम बना गए,
लोगों को उसकी आदत डलवा गए, फिर जाहिर होकर उसकी तस्दीक करके इत्मीनान दिलवा गए कि सही निजाम है, फिर दोबारा कैद में गए, फिर वो निजाम नाफिज हो गया, फिर किसी ने एतराज नहीं किया, क्योंकि खुद शुरू वाले 10 साल देख चुके। अब आज हमारे पास वो खुम्स का निजाम है जो सातवें ने अपनी इमामत के शुरू में भी कायम किया और अपनी इमामत के आखिर में भी, और इसी के अंदर तकलीद। बहुत 3 बातें बहुत ज्यादा फैल गई थी तो तकलीद, इमाम के होते हुए किसका दिल चाहेगा किसी और से सवाल करे, इमाम है। अब इमाम ये चाह रहे हैं कि निजाम बनाया जाए, लेकिन लोग तड़प के आ जाते, मौला पूछना आप ही से। इमाम ने कहा वो मेरा शागिर्द, वो मेरा साहबी, उसे मैंने तुम्हारे शहर में भिजवाया ही इसलिए, नहीं मौला सुनना आपसे, पूछना आपसे, इत्मीनान भी होता है, जियारत करके खुशी भी होती। अब क्या करें इमाम के लोगों को रोके, ये मासूमीन का दरवाजा है जहां किसी काफिर और मुशरिक को भी धुतकार के नहीं निकाला जाता, ये तो चाहने वाला मोमिन है। बार बार कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है इतनी जहमत की, नहीं मौला हमारा दिल चाहता, हराम तो नहीं है ना आपके पास आना, नऊज बिल्ला। अब जरूरत है कि इस निजाम की आदत डलवाई जाए, तो जिस अरसे इमाम खुमस का निजाम बना रहे भाई तकलीद का बन रहा। पहले 10 साल इमाम गैबत में, मसाला तो पेश आएगा मोमिन, इनके पास जाओ, जा तो रहा, शक रहता है कि पता नहीं इनके जवाब सही है कि नहीं, ये तो गैर मासूम है, ये तो बहरहाल एक आलिम और मुश्तहिद है, ये तो गलती कर सकते हैं। फिर इमाम जाहिर हो गए, और जाहिर होके 10-12 साल जाहिर रहे और बताया कि जो कुछ तुमने किया बिल्कुल सही किया, और फिर इमाम दोबारा गैबत में गए और यही निजाम चला। तो अब हमारे पास जो आज तकलीद का निजाम, कि जो लोग तकलीद करते भी है दिल में ख्याल तो आता है ना कि ये मासूम तो नहीं है ये महाराज, और गलतियां भी कर सकते हैं, और यकीनन जब 2 अलग फतवे हैं तो एक सही है गलत, पता नहीं अमल कबूल है, अल्लाह इसको ले लेगा कि नहीं, इमाम इसको मानेंगे कि नहीं, ये सारा निजाम सातवें ने उस वक्त बनाया। कि फिर मैं बता दूं ये 3 मरहले, पहले गायब हुए थोड़ी मुद्दत, फिर जाहिर हुए, उस दौरान के तकलीद और खुमस के निजाम की तस्दीक की, फिर कैदखाने में चले। अच्छा, ये 2 बातें तो बहुत अहम, यानी बात यहां से शुरू हुई थी कि तकलीद और खुमस का जो आज हमें निजाम 12वें इमाम ने दिया है, ये सबसे पहले 7वें ने बना के इसको मजबूत किया, मुस्तहकम किया और इसकी तस्दीक और ताईद की कि सही निजाम, फिर ये हमको मिला। हमें तो तारीख ही नहीं पता, हम तो समझते हैं ये सारा गैबत में शुरू हुआ। और तीसरी बात वो जो है, उससे मैं एक सवाल का जवाब देने वाला था, वो दूंगा तो, लेकिन अब बहुत तफसील से जवाब नहीं दूंगा और शायद जरूरत भी नहीं। अब यहां पे अब तक जो आपने मेरा 25 मिनट का बयान सुना, बल्कि 30 मिनट, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि इमाम शुरू के 5, 7, 9 साल गायब क्यों हुए। अब क्यों का जवाब तो मुझे नहीं मालूम, जाहिरी एतबार से मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं, ख्वाब की ताबीर ये एक स्पेशलाइज फील्ड है, मैं कुछ नहीं जानता। आप मेरे पास आके आप ख्वाब सुनाएंगे और कंफ्यूज होके चले जाएंगे, दुआ तावीज ये मेरी फील्ड नहीं, चुनाचे इसके लिए जो उलमाए कराम है, मैं एक तालिबेल हूं, और तालिबेल भी इन चीजों का तालिबेल नहीं, और उसी तरीके से ये क्यों वाले सवाल का मैं तालिबेल भी नहीं। दाढ़ी रखें क्यों, पर्दा करें क्यों, गाना छोड़ें क्यों, हुमस दें क्यों, नमाज पढ़ें क्यों, शराब ना पिए क्यों, कैसीनो क्यों ना जाए क्यों, हमसे क्यों पूछते हो, हमसे पूछते हो क्यों, एक क्यों तो हम भी आपसे पूछ ले। तो बहरहाल ये मेरा डिपार्टमेंट है ही नहीं, मैं तालिबेल हूं, और अगर आप कहेंगे कि भाई जो इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता वो मिंबर पे क्यों आता है, तो आप जाके आज ही इंतजामिया से बात कर लीजिएगा, मैं आपका शुक्र गुजार हूंगा। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन यानी हकीकी मसलहत अल्लाह जानता है, लेकिन जाहिर ही एतबार खानदान बनू अब्बास ने आले मोहम्मद पर जुल्म का यह तरीका इख्तियार किया कि खानदान में तफरका डाल दिया। 6वें इमाम के अपने 2 बेटे, खैर वो जो बड़े बेटे थे इस्माइल, वो तो इंतहाई नेक और शरीफ थे। ये लफ्ज शरीफ मैंने जो कहा इसलिए कि आज भी आप हज या उमरे पे जाते हैं और जन्नतुल बकी में जनाब इस्माइल की कब्र पे जियारत पढ़ते हैं तो यही कहते हैं अय्युहा शख्स शरीफ। ये फकत इनकी जियारत में लफ्ज शरीफ आया इस्माइल, यानी वो तो बिल्कुल ठीक थे,
उनके बेटे ने हंगामा कर दी और छठे इमाम के दूसरे बेटे अब्दुल्ला उन्होंने अपना फिरका बना दिया। अब सातवें इमाम तीसरे बेटे जो पहला शख्स हंगामा कर रहा है वो कह रहा है कि इमामत हमेशा बड़े को मिलती, मेरा बाबा बड़ा था वो मर गया तो मुझे मिलेगी। दूसरे ने हंगामा किया कि बाप के मौत के वक्त तो मैं बड़ा था। सातवें का कहीं से राइट नहीं बनता जिन लोगों के पास इमामत का सही तसव्वुर नहीं था। इमामत रिश्तेदारी पे नहीं मिलती, इस्मत पे मिलती है, तहारत पे मिलती है, इल्म पर मिलती है, शजाअत पे मिलती है, इन चीजों पे इमामत मिलती है, रिश्तेदारियों पे नहीं मिलती है। तो अब ये सातवें इमाम ने ये हालात देखे, जरा सी गैबत की तैयारी भी कराना थी और ऐसे हालात इस वक्त है कि नऊज़ु बिल्लाह, ये जुमले बहुत गलत है, मैं माजरत कर दूं, अगर इमाम फिर भी मैदान में जमे रहे, याद रखिए जालिम दुश्मन का मुकाबला करना आसान है, खानदान वालों और घर वालों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह के रसूल ने भी ये टफ टाइम देखा और बाकी मासूमीन के हवाले से भी बात आई, मगर अब बात आ गई, कल बात थी बीवी के हवाले से, जालिम बीवी नहीं मिली आपको कभी, यानी कभी नजर नहीं आई आपको? मेरे पास तो ये भी केस आते हैं, ठक 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 रात के 11 बजे, मौलाना रात आपके यहां गुजारना भाई क्यों? कहा वो बीवी 10:30 बजे दरवाजा बंद कर देती है, आने में देर हो गई है, अब रात भर गली में बैठना पड़ेगा। हमसे मसाला पूछिए, ये इन चीजों के लिए हमारा घर मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल है जालिम बीवी है। वो कल बात गुजर गई, आज खूनी रिश्तेदार, भाई भतीजा। अब अगर इमाम इनके सामने आकर ऐलान कर दे के गलत है और मैं सही इमाम, वो तो जहां जहां इल्मी अंदाज से था पैगाम दे, लेकिन इमाम ने अपने आप को एक तरह से गैबत में डाल दिया। खानदान का झगड़ा, बहुत अहम पैगाम है इस्लाम का, सिले रहम, जन्नत के दरवाजे में जब आप एंटर होंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ उसको पढ़ लीजिएगा, और ये बोर्ड अल्लाह ने उस दिन जन्नत के दरवाजे पर लगाया जिस दिन लम्मा खलक अल्लाह हुआ जबजल जन्ना, जिस दिन अल्लाह ने जन्नत को बनाया जन्नत ने अपने आप को देखा, मुस्कुरा दी, अपनी खूबसूरती देखी, अपना हुसन देखा, अपनी नेमतें देखी, एक मरतबा मुस्कुरा के कहा कितना खुशकिस्मत, सादा सादा सादा, कितना खुशकिस्मत है जो मेरे अंदर आएगा। जो जरा सी खूबसूरत किस्म की बच्ची होती है आईना देख के वो क्या क्या सोचती, घर की आईना देख के तो हर आदमी सोचता है चाहे कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल अल्लाह की बनाई हुई मखलूक पे हमें इतराज का हक नहीं। खुलासा यह कि जन्नत को तो हक है ना, अल्लाह ने कहा खबरदार, वह इज्जत ही वह जलाल, मेरी इज्जत की कसम मेरे जलाल की कसम, अल्लाह अपनी इज्जत की और जलाल की कसम, यह हदीस है किसा में खा रहा है या जन्नत के दरवाजे पर बोर्ड लगवा रहा, सारी कायनात तेरे अंदर आएगी, 8 गुनाहगार नहीं आएंगे उसमें। अगर शराबी, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर कभी कोई कानून बनाया जाए और कहा कि यह कानून तोड़ने पे 10 साल की सजा और उसमें मुख्तलिफ जराइम हो, तो जब सजा एक है तो वो जुर्म भी जो है वो एक जैसे होने चाहिए। यह ना हो कि कत्ल की सजा भी 10 साल है और सिग्नल तोड़ने की सजा भी 10 साल है, नहीं, जुर्म जो है वो अपने शिद्दत के एतबार से, खराबी के एतबार से एक जैसे हो। अब अल्लाह ने कहा कि शराबी तेरे अंदर नहीं आएगा, ज़िना हरामकारी करने वाला तेरे अंदर नहीं आएगा, रिश्तेदार से ताल्लुकात काटने वाला तेरे अंदर नहीं आएगा, भला कातिया रहे, मेरी जन्नत में ऐसे शख्स की कोई जगह नहीं। अब सातवें इमाम अब ये देख रहे हैं कि इस वक्त मैं जितना अपनी इमामत के मसले को वाज़े करूंगा उतना ही ये लोगों को तो और मौका मिलेगा, मेरे बड़े भाई और मेरे भतीजे। सातवें इमाम पर्दा गैबत में गए, निजाम चल रहा है, लेकिन इस दौरान झूठे दावेदारे इमामत ने वो तूफान बदतमीजी मचाया कि जो जुमला मैं अक्सर आखिरी इमाम के लिए कहता हूं वो तारीख में पहले गुजर चुका है कि 2/3 मानने वाले इमाम के खिलाफ हो गए। छठे इमाम तक सब ठीक ठीक चल रहे हैं, सातवां इमाम आया, छठे इमाम के 2/3 शिया सातवें के खिलाफ हो गए, कुछ इधर निकले कुछ उधर निकले, यही तो जमाने के इमाम के साथ होगा, कोई नई चीज नहीं है जमाने के इमाम के साथ, मगर हालात की मैचिंग सबसे ज्यादा सातवें इमाम की। जो लोग अभी आए
उनको याद दिला दूं कि चूंकि आज का दिन सातवें इमाम की विलादत का दिन था और हम विलादत का दिन अय्याम अज़ा में आए तो विलादत तक की खुशी नहीं मनाते, तो बाकी खुशियां जो विशेष और पता नहीं क्या क्या मेल आ रहा है, फेसबुक पे पैगाम आ रहा है, SMS आ रहे, हम विलादत तक की खुशी नहीं मनाते जो मासूम की खुशी। तो ये वाली खुशियां बहुत से लोगों को ख्याल भी ना रहा कि अय्याम अज़ा। चुनाचे कितने मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेज। अच्छा मैं अब बात को नहीं फैलाता हूं तो सातवें इमाम की विलादत तो नहीं, मगर एक दिन सातवें का है उसका हक अदा करना, और खास तौर पर इसलिए कि ये सब हमारी कहानी है। गैबत के अंदर तकलीफ पे एतराज हो रहा है जो हो चुका, गैबत में खुमस पर एतराज हो रहा है जो हो चुका, गैबत के अंदर इमाम की खैर हाजिरी की वजह से हर आदमी अपना एक गुरु बना के बैठा, अपना एक नजरिया, ये हो चुका। सातवें ने अपने आप को विड्रॉ किया कुछ अरसे के लिए, हिदायत का सिलसिला चलता रहा मगर अपने आप को सामने ना रखा। और यहां पर एक सवाल का जवाब, हमारी एक तकरीर शायद तीसरी थी कि चौथी, तीसरी थी शायद, वहां यह बताया गया कि वालिदैन को खाली अपनी औलाद से इज्जत और एहतराम और खिदमत नहीं लेना, पहले खिदमत देना, पहले वालिदैन का फरीजा है, औलाद बाद में आती, उसकी तरबियत करना। अब इस सवाल में दो छोटे जवाब आते हैं। देखिए बात बहुत फैल सकती, मुझे आपके वक्त का एहसास है, दो छोटे सवाल इसमें आते हैं। नंबर एक कि मौलाना ये मसला जो है औलाद की तरबियत का, ये उस वक्त तक है ना जब तक कि औलाद नाबालिग हो, बालिग हो गई, अब तो वालिदैन का उसके ऊपर कोई तरबियत के हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं रही, या चले बालिग ना सही, लड़कियां तो बेचारियां 9 साल में बालिग हो जाती, शादी होने के बाद तो अब जिम्मेदारी खत्म, जी नहीं, ये कहां से ख्याल आ गया, मरते दम तक जिम्मेदारी बाकी है, वो बुढ़ा भी हो गया, वो साहिब औलाद भी हो गया, उसकी औलाद की औलाद भी हो गई, लेकिन अगर आप जिंदा है तो आपका फरीजा। अब हो सकता है कि जिम्मेदारी का नाम बदल जाए, जब तक वो बालिग है या गैर शादीशुदा है या आपके साथ रह रहा, हो सकता है उस वक्त तक इसको हम तरबियत कहें, और जब वो बड़ा हो गया तो अब हम इसको अमरे बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहें, लेकिन जिम्मेदारी तो मरते दम तक बाकी रहती है। अमरे बिन मारूफ तो हर एक ने सुना हुआ, ये लफ्ज से तो कान आशना। तो इसमें एक बात बता दी जाए, जो आप महाराजे के रिसाले में जाके देखिए, आगा सिस्तानी की तौजी में जाके देखिए, मरहूम आगा हुई फरमाते अमरे बिन मारूफ हर एक पर वाजिब, लेकिन अपने घर वालों और औलाद के लिए यह जिम्मेदारी ज्यादा। अब ऐसा नहीं है कि हमने कहा भाई मौलाना हमारा पॉइंट साबित हो गया, जब तक वो गैर शादी शुदा था हमारी खास ड्यूटी, अब बड़ा हो गया वो नमाज नहीं पढ़ रहा, वो फला महल्ले का एक और आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, दोनों पे अमरे बिल मारूफ नहीं, घर वाले रिश्तेदार के हवाले से अमरे बिल मारूफ ज्यादा जरूरी, वो बाद में आता। ये बहुत छोटा सवाल कि जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती जब तक कि वो गुनाहगार मरते दम तक है आप पर वाजिब रहेगा। दूसरी बात कि मौलाना ये क्या कि हम पूरी कोशिश कर लेते हैं और फिर भी वो बिगड़ जाते हैं। हाँ यहां से ये सातवें इमाम के हालात, नऊज़ बिल्ला, क्या छठे इमाम ने कम कोशिश की होगी, मगर उन्हीं की औलाद में ये दो मिसालें आई कि नहीं आई। तो हमारा काम नतीजा निकालना है ही नहीं, ये रिवायतों में है, जो तुम्हारा काम नहीं है तुमने कब से अपने कंधे पे ले लिया। नतीजा निकालना तुम्हारा काम नहीं है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, नतीजा निकालना अल्लाह का काम है। ये अल्लाह का काम अपने कंधे पे ले लिया कि औलाद सही क्यों ना निकली, तुम्हारा काम है उसकी तरबियत, दीनी तालीम जहां तक हो सके उसे, फिर भी वो अमल ना करे ये तुम्हारा काम ही नहीं है। रोजी देना अल्लाह का काम है, सेहत देना अल्लाह का काम है, अल्लाह बराहरास ये करता है कि अल्लाह वसीले से करता है, वो तो हमारा अकीदा, लेकिन ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं। हमारा काम है दवा इस्तेमाल करना, सेहत देना उसका काम, हमारा काम है हर जगह जॉब के लिए अप्लाई करना, रोजी देना उसका काम, अल्लाह के दीगर काम अपने जिम्मे मत लीजिए, उसमें ये भी कभी ये टेंशन ना लीजिए। फुला ने तो अपनी औलाद को गाने में पाला, उसका बेटा इतना बेहतरीन नमाजी बना, और हमने तो बचपने से उसको इतना अच्छा माहौल दिया, इतना कमबख्त शराबी बना। यजीद ने अपने बेटे को किस माहौल में पाला, उसका बेटा इतना बेहतर बन गया। छठे इमाम ने अपनी औलाद को किस माहौल में पाला, उनके अपने खानदान की दो मिसालें, यानी ये लफ्ज बार बार कहते हुए भी बुरा लग रहा। तो सातवें इमाम पहला ही ये टफ मरहला आया कि भाई कह रहा है कि मेरा छोटा भाई गलत,
भतीजा कह रहा है कि मेरा चचा गलत, और खाली गलत का लफ्ज नहीं, ऐसे बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल किए कि मिंबर पे नहीं ला सकता। ये इम्तिहान सातवें इमाम ने दिया अपने आप को, पर्दे गैबत में ले निजाम कायम कर दिया, हिदायत का सिलसिला चलता रहा। मगर इस पूरे अरसे में, यह बहुत अहम नुक्ते पे मैं आ रहा हूं, क्योंकि तज़किया नफ्स के अंदर जो मेरा कल से अनुमान शुरू होगा उसमें यह नुक्ता समझना जरूरी। और इस तमाम अरसे में सातवें इमाम अपने चाहने वालों से, यह हर इमाम ने कहा लेकिन सातवें ने खास तौर पर एक तवक्को और तकाजा करते रहे कि जो मोमिन दूसरे मोमिन की किसी तरह से भी मदद करने की पोजीशन में, उस पर वाजिब है मोमिन की मदद। ईमान खाली आले मोहम्मद को मानने का नाम नहीं, आले ईमान आले मोहम्मद के मानने वालों की खिदमत का भी नाम है। ईमान खाली नमाज और रोजे का नाम नहीं है, ईमान ईमान मोमिन की मदद करने का नाम। अब ये इसमें सिला रहम फिर आगे का मरहला है कि रिश्तेदार तो मोमिन भी है और रिश्तेदार वालिदैन आखिरी मरहला है, लेकिन छोटे से। अब अली इब्ने यक्तीन का वाकया किस इमाम का? सातवें का। अली इब्ने यक्तीन का वाकया सातवें का, बहुत ही मशहूर वाकया है, खाली एक इशारा कर, लेकिन यह बताने के लिए कि इमाम ने यह उसूल खाली एक आदमी के लिए नहीं रखा, हर मोमिन के लिए, आलिम हो के जाहिल, बड़ा हो के छोटा, मर्द हो के औरत। अली इब्ने यक्तीन, हारून की तरफ से ऑफर आई, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फौरन रब्ता किया इमाम से, मौला मुझे ये कहा गया, मैं अपनी नहीं चलाना चाहता हूं, जो आप कहेंगे वो मेरा जवाब होगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि नाम इमाम का लेते हैं, हर जगह अपनी चलाते हैं, जो हमारा दिल चाहता है वो हम फतवा जड़ देते हैं। अली इब्ने यक्तीन छोटे आदमी का नाम नहीं, खानदान यक्तीन चार इमामों का वफादार खानदान रहा, अली तो उनमें से एक है, खानदान यक्तीन आले यक्तीन मिसाल है कि चार अइम्मा का इंतहाई वफादार चुनाचे, और बहुत खुद साहिब इल्म है, बहुत बड़े आलिम, लेकिन इमाम हर चीज इमाम मालक बताई। इमाम ने कहा तुम पर वाजिब है यह ओहदा कबूल करना, मगर वाजिब क्यों है कि तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां मोमिनों की मदद कर सको, तो मदद की वजह से वाजिब है, खबरदार कोई मोमिन तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ ना जाए। और एक बार इंतहाई गरीब, सबसे ज्यादा गरीब जो माशरे में माना जाए, ऊंट चलाने वाला बद्दू, ऊंट चलाने वाला बद्दू, सहरा में रहने वाला, पैर में जूता तक नहीं होता है, ना कपड़े पहनने का ढंग आता है उसे, ना बात करने का, उसे कोई मसाला पेश आ गया, लोगों ने कहा कि जाओ बगदाद में, हमारा अपना आदमी वजीर आजम, वो हंस दिया, अरे मामूली मामूली मोमिन तो मुझे अपने से गले लगाने को तैयार नहीं है, पसीने की बदबू आ रही है, मैले कपड़े हैं, गंदा आदमी है वजीर आजम। उस जमाने का बगदाद, आज का पेरिस भी कुछ नहीं, कहा कि नहीं, लेकिन ये वो आदमी है जिससे इमाम ने वादा लिया, पहुंच गए। अब इत्तेफाक ऐसा कि कुछ ऐसे हालात बने, बड़े मसरूफ थे और अहम मीटिंग में थे, कहा उसे कह देना कल आ जाए। अब ये कल आ जाए जो हमारे यहां एक बहाना होता, हमने किसी को कर्जा दिया, जितनी बार जाएंगे अब हमेशा दे देंगे, कल आ जाना, दे देंगे कल आ जाना, हम तो खैर हम हैं, लोग अल्लाह से भी यही कहते, खुदा बंदा तौबा करूंगा कल कर लूंगा, हाँ हाँ नहीं नहीं इंशाल्लाह सारे गुनाह छोड़ दूंगा लेकिन कल कर लूंगा। ये जो कल कभी नहीं आती, वो समझा कि ये वाला कल भी वही कल, पहले से जहन में ख्याल था वजीर आजम मुझे घास डाल, और जवाब भी वो मिला कल आ जाना, वो फिर वापिस आ गए, वो कल को वैसा ही कल समझा जैसे कर्जा लेने वाले कहते हैं, तौबा करने वाले कहते हैं, वापिस आ गए। अली इब्ने यक्तीन हर साल हज पे जाता है, क्योंकि मामू हारून हर साल हज पे जाता, हारून तो खाने खुदा की जियारत करता, कितने दिलचस्प वाकयात है सातवें इमाम के और हारून के हज में। एक बार पहुंच गया काबे के सहन, फर्जंदे रसूल मुझे इस्लाम बताई, कहा एक दो पांच सात दस बारह बीस पच्चीस पचास साठ सत्तर, अरे मौला मैं इस्लाम पूछ रहा हूं आप तो गिनती सिखा रहे, कहा यही इस्लाम, वाकयात पढ़ने का मौका नहीं है, शायद किसी के दिल में शौक पैदा हो चौदह सितारे देख ले उसमें भी वाकया, मैंने बहुत ही आसान किताब का नाम लिया। खैर हाँ मदीने में आया, मौला हम में और आप में क्या फर्क है, एक चचा की औलाद आप है एक की औलाद हम है, वो इमाम ने जवाब दिया शादी वाला। खैर तो बड़े दिलचस्प वाकयात हज में हैं, लेकिन हारून या मक्के में खाने काबा की जियारत करता या मदीने में, सरी अली इब्ने यक्तीन रात को वक्त निकालकर
खुल के तो नहीं आ सकते, रात को वक्त निकाल के इमाम के दरवाजे पे जाते हैं, और इतना एहतराम है कि इमाम के घर का दरवाजा आधी रात को भी इनके लिए खुला। आज जो गए तो आज दरवाजा बंद, नॉक किया, गुलाम आया, कहा जानते हो ना, पहचानते हो मैं अली इब्ने यक़ीन, पुराना गुलाम। कहा इमाम ने कहा कल आना। अब चूंकि ये अली इब्ने यक़ीन थे, सादिक हसन नहीं थे, ये लफ्ज कल समझ गए, कल जो है कल बुलाया नहीं जा रहा, कोई तंबीह की जा रही। रोते हुए गुलाम के पैरों पे गिर पड़े कि आका से कहना सिर्फ एक मिनट गलती बता दे, हम तो वाकई कल समझ के कल ही आते और फिर वो कल कभी ना आती। एक बार दरवाजा बंद तो बंद, जो दुश्मन के लिए खुला, जो काफिर के लिए खुला, जो मुनाफिक के लिए खुला, इतने पक्के मोमिन के लिए बंद हो गए। अली इब्ने यक़ीन, जब इमाम मिले, अगर तुम्हारे पास हमारे मानने वाले से मुलाकात का वक्त नहीं है कल, तो हमारे लिए तुमसे मुलाकात का वक्त नहीं है। मोमिन की मदद। और जैसा कि मैंने कहा, अच्छा यहां पे पता नहीं एक बच्चे को कहां से सुनगुन मिल गई कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक मजलिस पढ़ी थी इसी उनवान पर, कहा था मौलाना वो वाकया पढ़ दीजिए। मैंने कहा भाई ये बड़े लोग हैं, ये बच्चों के वाकयात नहीं सुने, मैं ये मजलिसें पढ़ता हूं, इसको लोग कहते हैं कि क्या मौलाना को लाके बिठा दिया, हमें केजी के बच्चों की तरह समझाते फिर रहे। तो ये तो वाकई केजी के बच्चे का वाकया, चले दो मिनट का वाकया, लेकिन इसी नुक्ते की वजाहत के लिए कि इस मसले में कि जो आदमी जहां पर बैठा है जिस अंदाज से किसी मोमिन की मदद कर सकता, और ये हर एक के लिए, मर्द के लिए भी और औरत के लिए, आलिम के लिए भी और जाहिल के लिए भी, बड़े के लिए भी और बच्चे के लिए भी, अली इब्ने यक़ीन जैसे साहिब फजल के लिए भी, और बहलौल दाना जैसे बज़ाहिर दीवाने के लिए भी, यह हर एक का फरीदा। अब बहलौल का एक वाकया है, वो इसी उनवान से है, मगर मैं ये वाकया मजलिसों में देखे कभी नहीं पढ़ता। आज हुसैनिया ज़ारा पे के इस मिंबर पे मुझे 1981 में पहला अशरा पढ़ा, 2011, 30 साल हो गए, मजमे में काफी लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने पहला अशरा पढ़ा, ये वाकया आज तक नहीं पढ़ा। एक बच्चे ने कहा, बहुत छोटा सा वाकया, बहलौल गलत पढ़ रहा हूं, बहलौल लफ्ज नहीं है, बहलूल है, लेकिन चूंकि हमारे यहां मशहूर है तो इसलिए गलत ही लफ्ज पढ़ता हूं, दीवाना पागल। लेकिन मोमिन की मदद, सवाल मोमिन की मदद का। शाम का वक्त हारून के पास पहुंचे, हारून शाम का वक्त है, दरिया के किनारे साहिले समंदर पर बैठा हुआ, समंदर तो नहीं है, दरिया है, दरिया है दिजला, मजा ले रहा, बेहतरीन वक्त होता है ये, मूड में। कहा कि बहलोल तुमने पिछले हफ्ते मुझे बहुत शर्मिंदा किया उस फकीर के सामने जो मेरा मेहमान था, और तुमने उसे जलील किया, वो एक और वाकया। लेकिन बात चूंकि हारून ने वहां से शुरू की, और मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें उसकी सजा दूं, खुद खुला खुला कह रहा, तुमने कोई गुंजाइश नहीं रखी थी पिछले हफ्ते सजा किस बात की देता, आज आज मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लेता हूं, अगर मेरे सवाल का जवाब ना दिए, सवाल को मैं बहुत जल्दी गुजार दूंगा, इसलिए कि बड़े कहेंगे कि मौलाना को भी क्या सूझ रही, बच्चों की बातें मान रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो असल नुक्ता है, ये बहरहाल सातवें इमाम के साहबी, सातवें इमाम के हुक्म से पागल बने हैं, हम सातवें के हुक्म से नमाजी बनने को तैयार नहीं होते। ये होती है हमारे पास, इमाम ने कहा पागल बन जाओ तो बन गए पागल, आसान नहीं होता है दीवाना बनना। बहलोल हारून ने कहा मैं बदतरीन सजा दूंगा, और रेफरेंस वही पिछले हफ्ते के वाकये को दे रहा कि मेरे मेहमान को तुमने जलील कर दिया, मगर वो मेहमान को जलील करने में बहलोल ने कोई गुंजाइश नहीं रखी थी कि इनको पकड़ा जाता। आज सवाल आज करना, पिछले हफ्ते उसने सवाल किया था, तुमने उस सवाल का ऐसा जवाब दिया कि वो जलील हो गए, आज मैं सवाल कर रहा हूं, और अगर मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो इसी वक्त इसी जगह तुम्हें उठा के इस दरिया में फेंक दूंगा, दरिया की मौजें तुझे बहा के ले जाएंगी और मछलियां तुझे खा लेंगी। बहलौल तो है पागल, कहा ये तेरे अख्तियार में नहीं है, ये सजा सिर्फ वो दे सकता जिसका हुक्म मछलियों पर भी चलता है और दरिया की लहरों पे भी चलता है। हारून समझ गया कि किधर इशारा है, जैसे आप समझे तो आप तो साहिब ईमान है, वो दुश्मन हो के समझ गए।
कहा बैडोल तेरी सजा बढ़ा दी जाएगी अगर तूने सवाल का जवाब ना दिया। कहा अच्छा, और अगर दे दिया जवाब तो? ये तो कोई बात ना हुई कि ना दिया तो सजा मिलेगी और अगर दे दिया तो? कहा 1000 अशरफियां। कहा 1000 अशरफियां नहीं चाहिए, मुझे 100 कैदियों को रिहा कराना, नाम मेरे होंगे, जो नाम मैं बताऊं। ये नहीं कि जैसे कोई ऐसा सदके वक्के का मौका आता है कराची में, एक इम्प्रेस मार्केट हम जाते हैं, वो चिड़िया पकड़े बैठा, हमने 100 रुपए दिए कि 50 चिड़िया उड़ा देना, हम चले आए। नहीं, नाम मैं दूंगा। असल में ये जुमला आपको बताना था कि चाहे अली इब्ने यक्तीन जैसा दानिशमंद और दाना और वजीर हो, चाहे बहरौल जैसा दीवाना हो, सातवें ने सबकी जिम्मेदारी बराबर से लगाई। अच्छा हारून, वो तवज्जो भी नहीं है, तो सालिम हुकुमरान जेलों में डाला भूले हुए। कहा अच्छा तेरी बात मान लूंगा, तो 100 कैदी छोड़ने से मेरा क्या नुकसान है, मेरी जेल में लाखों कैदी। अब कौन है ये कैदी आप समझ जाइए। अच्छा सवाल क्या है? सवाल तो अब मैं क्या, मेरी खुद शर्मिंदगी हो रही है। हारून ने कहा कि एक आदमी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहरहाल अब यहां तक बात आ गई है। हारून ने कहा एक आदमी, उसके पास 3 चीजें, एक भेड़िया है, एक बकरी है और घास, और उसे दरिया के दूसरी तरफ इनको ले जाना, कश्ती में सिर्फ एक चीज एक वक्त में जा सकती। यह बैडोल का वाकया, जो कहां कहां से घूमता 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 एक मुअम्मा और एक बच्चों के साथ वक्त गुजारने का जरिया बना। अब ये बता कैसे ले जाए। देख बहलोल, अगर तूने कहा कि वो पहले भेड़िए को ले जाए तो यहां बकरी घास खा लेगी, और अगर तूने कहा कि वो पहले बकरी को ले जाए तो भेड़िया तो घास नहीं खाता, लेकिन जब इसके बाद वो भेड़िए को लेके जाएगा और घास लेने आएगा तो वहां भेड़िया बकरी को खा लेगा। और अगर तूने कहा कि नहीं भेड़िया नहीं घास को लेके जाए दूसरी मंजिल पे, तो जब भेड़िए को लेने आएगा वहां पे बकरी घास को खा लेगी। तो आपने अपने बचपने में दादा से और नाना से और चचा से और खाला से बहुत सुना होगा, अब नहीं सुना होगा। अब वक्त कहां है आपके पास भी और बच्चों के पास भी कि टीवी से हटे तो एक दूसरे से बात करें, फेसबुक बंद हो तो एक दूसरे का फेस देखें, तो टाइम कहां है आजकल? लेकिन जो बड़े हैं उनको याद है। जरा ख्याल कर, यहां अगर इस तरह से कोई चीज छोड़ी, बकरी और घास को छोड़ दिया तो घास गई, भेड़ी और बकरी को छोड़ दिया तो बकरी गई, और अगर वहां पे वो पहुंचाते वक्त कोई चीज छोड़ के आया, ख्याल करना। अब आपको तो याद है ना, आपने जवाब देख अपने दादा से इनाम में गुलाब जामुन जो खाई थी ना, इसी जवाब पर वही बहलोल का जवाब था। कहा कि हारून ये कोई सवाल कितना आसान? कहा मेरा सारा दरबार थक गया, मैं भी थक गया, मुझसे भी किसी और ने पूछा था। तुम ऐसे हो के मानने वाले क्यों हो? अच्छा जिसे बहलोल मानते हो उसको मानो, बाबे मदीनतुल इल्म तुम्हें भी बाबे मदीनतुल इल्म बना देगा। बहलोल ने कहा कि कोई सवाल है बहुत ही आसान का बताओ। बहलोल ने कहा कि वो सबसे पहले बकरी को उधर ले जा, भेड़िया तो घास नहीं खाएगा। ठीक, अब हारून को पता है ना कि अगले मरहले में क्या चीज वहां लेके जाएगा। कहा कि फिर भेड़िए को लेके जाए, हारून ने वहीं रोक दिया। फिर जब वो घास लेने आएगा इतनी देर में तो भेड़िया बकरी को खा लेगा। कहा नहीं, वो भेड़िए को ले जाए और बकरी को वापिस यहां ले आए, और फिर घास को लेके जाए, और फिर आखिर में बकरी को लेके जाए, खुद भी पहुंचा, तीनों चीजें भी पहुंच गए। लेकिन हारून ला मेरा इनाम। क्या इनाम? कहा 100 आदमियों को रिहा करना है। कर नाम लिखो। बहलोल ने कलम उठाया और नाम लिख के फेरिस दे दी, हारून ने आगे बढ़ा दी, बहलोल घर चले गए। दरोगा दौड़ा दौड़ा आया कि हारून क्या गजब हो गया, ये तूने 100 आदमियों की फेरिस क्यों भिजवाई, क्या इन्हें रिहा करना? कह रहे ये तो सब मूसा अपने जाफर के मानने वाले इंतहाई पक्के शिया हैं जो उसकी इमामत के कायल थे, इसलिए इन्हें बदतरीन कैद में रखा गया है। हारून ने कहा बहलोल मुझको भी हाथ दिखा गया, लेकिन चूंकि मेरा वादा है अब मैं क्या करूं। अली इब्ने यक्तीन और बहलोल ने मिलके बताया कि सातवें इमाम ने कहा जो आदमी जिस जगह जिस पोजीशन में है उसे मोमिन की मदद करना, अगर वजीर आजम है तो, और अगर दीवाना है तो, और अगर दानिशमंद है तो, और अगर बहलोल जैसा है तो, और अगर बड़ा है तो, और अगर छोटा है तो, और अगर मर्द है तो, और अगर औरत है तो, मोमिन की मदद सबसे अहम फरीजा। लेकिन
लेकिन वो 100 आदमी जिस कैद में थे, ये हारून ही का वाकया है जो आपने अक्सर सुना है, मैं खाली इशारा कर रहा हूं। आज मैंने जितने वाकयात पढ़े, चाहे शतीता का हो, चाहे इब्ने यकीन का हो, चाहे बहलोल का हो, और चाहे ये आखिरी वाला, सिवाय बहलोल के हर वाकये में इशारा था। लेकिन मशहूर वाकयात हैं, इसलिए इशारे से भी मजलिस आगे बढ़ी। ये भी हारून ही का, यानी बताने के लिए कि 100 कौन से होंगे। वो जो शायर नेशापुर में हमीद इब्ने कहतुबा रमजान के दोपहर के बाद खाना खा रहा, और उसका दोस्त जाके कहता, पागल हो गया, ये रमजान का महीना, दोपहर के वक्त खाना। कहा चूंकि, जवाब देता है, चूंकि मुझे पता ना मेरी नमाज कबूल है ना मेरा रोजा कबूल है, मुझे तो जहन्नम में जाना ही जाना, तो फिर फाके करके दुनिया क्यों मुश्किल से गुजार, तुझे कैसे पता, अभी तो कयामत नहीं आई, अभी तो हिसाब किताब नहीं हुआ। कहा लेकिन मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, खुद जानता। क्या गुनाह किया? कहा इसी शहर में एक दिन आया नेशापुर में हारून, आधी रात को मुझे बुलाया, बैठा हुआ है तख्त पे तलवार बराबर में, कहता है कि आए हमीद मेरी खातिर क्या कुर्बानी देगा। अब ये तो मैं तफसील में चला गया, नहीं बहुत जल्दी। कहा हाकिम मेरा सारा माल तेरे ऊपर कुर्बान। कहा वापिस चले जा। थोड़ी देर बाद फिर गुलाम बुलाने आया, हाकिम ने बुलाया, आए हमीद क्या कुर्बानी देगा मेरे लिए। मैंने सोचा मैंने माल कहा था, यह खुश नहीं हुआ, माल से बड़ी चीज कहा कि तेरे लिए मेरी जान कुर्बान, चले जा। बहुत मशहूर रिवायत। हाँ शायद अभी आखिरी जुमला आएगा तो आपको फिर याद आ जाएगी, फिर मैं बाकी रिवायत नहीं पढ़ूंगा। इस बातचीत का आखिरी जुमला चला गया। 15 मिनट के बाद फिर गुलाम आया, हाकिम बुला रहा, मुझे देखते ही कहा मेरे लिए क्या कुर्बानी देगा। मैंने सोचा माल कहा यह राजी नहीं था, जान कहा यह खुश नहीं था, कहा कि तेरे लिए मेरी औलाद कुर्बान, चली जा, चला जा। मैं आ गया। फिर 10 मिनट के बाद गुलाम आया, हाकिम ने बुलाया, और वही सवाल, मेरे लिए क्या कुर्बानी देगा। मैंने सोचा माल मैंने कहा, जान मैंने कही, औलाद मैंने कही, कोई जवाब इसको खुश न, एक ही चीज मैंने कहा, तेरी खातिर मैं अपना ईमान कुर्बान कर दूंगा। अब मुस्कुराहट आई हारून के चेहरे पे, का तलवार उठा और उस कैद खाने में मकान में जा, वहां 7 आदमी कैद है, सबके गर्दने काट के कुएं में डाल के कुएं को बंद कर देना। अब मैं चला गया, धड़ाधड़ मेरी तलवार चल रही है, गर्दने कट रही, 59 आदमी मारे गए। 60वें ने कहा एक बात बता, जब कयामत के दिन हमारे जज रसूल खुदा के सामने जाएगा तो क्या जवाब देगा, आखिर हमें क्यों मारा। चौके कहा तुम कौन हो। कम 60 के साथ मूसब ने जाफर के मानने वाले और उनके रिश्तेदार, हम सादात हैं, हम औलाद फातिमा हैं, हम औलाद रसूल हैं। अब मेरा हाथ कांपा। हारून का गुलाम साथ में आया, डांट के कहा कि तू तो कह चुका था ईमान भी कुर्बान है, रो क्यों रहा। 60 लाशें तो मैंने इस तरह कुएं में डाले, ना गुस्ल ना कफन ना दफन, कुआं बंद कर दी। ये एक रात थी हारून की, पता नहीं कितनी रातें ऐसे गुजरी, मगर इन्हीं लोगों को बहलोल अपने दीवानेपन में कैद से निकलवा रहे हैं, अली इब्ने यकीन अपनी वजारत उज़्मा से फायदा उठाते हुए कैद से निकलवा रहे। वहां भी वाकया, हारून की कोई खुशी आती है घर में, कहता है 10 कैदियों को रिहा कर, आज मैंने कसम तोड़ दी थी, कसम का कफारा 10 गुलाम आजाद कर। और अली इब्ने यकीन, अब आप समझ जाइए, मुझे कहने की जरूरत नहीं, फिर इससे मंगवा के किन लोगों को रिहा कराते। मगर 7वें इमाम के गुलाम रिहा हो रहे हैं, 7वें इमाम के चाहने वाले रिहा हो रहे हैं, 7वें इमाम के असाब रिहा हो रहे हैं। कोई है जो 7वें इमाम की भी रिहाई का इंतजाम कर। उस मौला पे तो जिंदा में इंतहाई असीरी गुजर गई। मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं नजर बना रहा, जवानी भी वही, पीरी भी वही, कैद से रिहाई भी मिली तो बड़ी अजीब हालत में मिली, कैद खाना भी कैसा था, जमीन से इतना नीचे उस जमाने के एतबार से, आज तो टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई, उस जमाने में न सूरज की रोशनी पहुंचे न हवा पहुंचे। हारून ने कहा इस कैदी के लिए मैं हवा भी बंद कर रहा हूं, पानी भी बंद कर रहा हूं, सूरज भी बंद कर रहा हूं। और इतनी मुख्तसर गिजा कि जुमला आप सुनते हैं कि जब कैद खाने में कोई आके गौर से ढूंढता है इमाम को, सरसरी नहीं गौर से, अच्छा कैद खाना कौन इतना बड़ा है,
इतना छोटा है कि अगर इमाम कभी लेटना चाहे तो पैर नहीं फैला सकते, खड़ा होना चाहे तो पूरा कद के साथ खड़े नहीं हो सकते, सर छत से टकराता, और उसमें कोई ढूंढे इमाम को फिर भी इमाम नजर ना आए, ऐसा लगे एक सफेद कपड़ा जमीन पर। इतने छोटे कमरे में एक ही आदमी है, वो भी कपड़ा लगे कितना कमजोर मेरा सातवां इमाम। लेकिन इस कमजोरी की हालत में भी न गले का तौक काटा गया था, न हाथों की हथकड़ी, न पांव की बेड़ी, इस हालत में भी बगदाद का ये कैदी गले में तौक, हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ी के साथ था। यहां तक के शहादत के बाद जब ये लाशा बगदाद के पुल में रखवाया गया तो उस वक्त भी ना हथकड़ी काटी गई ना बेड़ी काटी गई। लेकिन खैर, खैर तुम्हें गलत कह गया, लेकिन परवरदिगार आलम ने यही पे सातवें इमाम का इम्तिहान मुकम्मल कर लिया। कैद खाने में जहर, जहर से शहीद, रात के अंधेरे में बगदाद के पुल पे लाशा रखवाया। हारून शिकार के बहाने चला गया कि मैं उस वक्त हूं ही ना ताकि मेरा नाम ना, और क्या सोच कर गया कि ये बगदाद शहर का पुल है। शहर में सारी रात बाहर जाने वालों के काफिले जाते हैं, बाहर से काफिले आते हैं, अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। जब ये काफिले जा रहे होंगे, जब काफिले आ रहे होंगे, ये लाशा जानवरों के सुमो और टापों तले इस तरह पामाल हो जाए कि अगली सुबह कोई पहचान भी ना सके कि कौन मासूम, कौन औलादे फातिमा, कौन फरजंदे रसूल रात को मारा गया। मगर अल्लाह ने यहीं तक सातवें का इम्तिहान लिया। ऐ मूसी काजिम, 14 साल की कैद, हथकड़ी और बेड़ी, जहर से शहादत, बस तेरा इम्तिहान पूरा हो गया, इससे ज्यादा इम्तिहान खुदा न लेगा। चुनाचे लाशा तो बगदाद के पुल पर वो ख्याल करते हुए रखवाया गया था, मगर जब घोड़े और ऊंट और खच्चर इस पुल पे आ रहे हैं, शहर से बाहर जाने वाले जानवर आधे रास्ते पे पहुंचे, रुक गए, और इस तरह रुके कि उनके सवार चाबुक मार मार के चला रहे हैं, कोई जानवर आगे नहीं बढ़ता, एक कतार बनती चली गई। और बाहर से आने वाले काफिले जब पुल के दरमियान पहुंचे तो वहां भी सवारी के जानवर रुक गए, कोड़ों पे कोड़े बरसाए जा रहे, कोई आगे नहीं बढ़ता। अब ये दोनों तरफ के काफिले, काफिले वाले हैरानों परेशान, ये हमारे वफादार जानवर क्या हुआ। वो उतर के आए और आके देखा तो क्या देखा, पुल के दरमियान एक मासूम सैयदजादा, फरजंदे जहरा, एक इमाम वक्त, एक हुज्जत खुदा का लाशा पड़ा है, उसके एहतराम में एक जानवर कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। मौला सातवें इमाम, ये आपके मसाइब की इंतहा थी, अल्लाह ने यहां मसाइब को रोक दिया। लेकिन काश वहां करबला के घोड़े भी रुक जाते, यहां पे इम्तिहान इससे ज्यादा ना लिया गया। और उधर करबला में हुसैन मारा गया, बहन ने भाई के कटे सर को नोके नैजा पे देख लिया, चिल्लाए ज़ैनबिया से ये मंजर देख के ज़ैनब खेमों में आई। अब अपने लुटे काफिले को संभालना है, अब ज़ैनब इस काफिले की सालार है। एक बार ज़ैनब के कान में घोड़े दौड़ने की आवाज आती, अम्मा फिजा मेरा भैया तो मारा गया, अब ये घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं, जरा बाहर निकल के देखना। अजीब मंजर देखा फिजा ने, क्या देखा, उमर सात कहता है, उमर सात कहता है कि आए मेरी फौज के सिपाहियों, तुम्हें अरबों का दस्तूर पता है, जब हम किसी से पूरा इंतकाम लेते हैं तो उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाते हैं, घोड़ों की तैयारी करो। नालबंदी हो रही, घोड़े तैयार किए जा रहे, लेकिन हबीब इब्न मुजाहिर का कबीला बनी असद करीब रहता है। एक बार वो आगे आया, ऐ सरदार, ऐ पिसारे साल, हमारे साथी ने बड़ी गलती की, लेकिन ये हमारी गैरत के खिलाफ है, हमारे सामने उसका लाशा पामाल हो। उमर साद ने कहा कोई बात नहीं, हबीब से मेरा कौन सा झगड़ा, ले जाओ लाशा। हुर की फौज आगे बढ़ी, कहा कि हमारे सालार ने बड़ी गलती की, उसने सजा पा ली, मगर लाशे की पामाली बर्दाश्त नहीं है। कहा कि अच्छा ये लाशा भी ले जाओ, एक एक शहीद का, एक एक सहाबी का, एक एक जवाने बनी हाशिम का, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आता है और आके वो लाशा उठा के ले जाता है। आखिर में एक ही लाशा
जहाँ पे आज जरी है ना, एक ही लाशा जलती रहती पे पड़ा रहा, कोई नहीं है जो आगे आकर कहे ये मोहम्मद के नवासे का लाशा है, ये अली के फर्जंद का लाशा है, ये जहरा के लाल का लाशा है, ये हुसैन इब्ने अली का लाशा। अगर अकबर जिंदा होते सबसे आगे बढ़ के आते ये मेरे बाबा का लाशा। फिजा ने कहा शहजादी बस जरा आके देखिए, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती, आके देखिए क्या मंजर है। हाय ज़ैनब, एक बार फिर तिल्ले ज़ैनब यहाँ पे आई और ये मंजर देखा, मेरा माज आया, सीने पे घोड़े दौड़ रहे, पहले तो मदीने का रुख किया। नाना रसूल खुदा जिस हुसैन को सीने पे सुलाता था, जरा आके देख उसके सीने पे घोड़े, और फिर एक बार फुरात को देखा। अब्बास आका की जरा सी तकलीफ में तड़प उठने वाला अब्बास, जरा के देख तू ना रहा तो मेरे हुसैन पे क्या गुजरे। वाह अब्बास वाह अब्बास।